So hello friends, once again back my YouTube channel Ashoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure, and today we will also learn an advanced English structure. So before understanding this structure, if you are new viewer, if you are not subscriber in this channel, so you have to subscribe this channel and to get the latest notification to hit the bell icon. So let's understand friends, aaj ka advanced English structure samajhte hain. फ्रेंड्स, जैसे कि थोड़ा हिंदी देख लेते हैं, हिंदी सेंटेंसेस किस तरीके से आएंगे. जैसे फ्रेंड्स, मैं लिखता हूं तो आई राइट, मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट ए लेटर, लेकिन मैं एक पत्र लिखवाता हूं तो फिर फ्रेंड्स किस तरीके से होगा आप बोलिए. फ्रेंड्स, जैसे मैं हंसता हूं तो आई लाफ, मैं उसे हंसाता हूं तो उसका अंग्रेजी क्या होगा. फ्रेंड्स, वही आज सीखने जा रहे हैं कि उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि मेक और गेट यूज करेंगे, ऐसे तरीके से आएंगे. मेक और गेट यूज करेंगे मीन्स करवाना के सेंस में या करवाना, जैसे कराना के सेंस में या करवाना का सेंस में हम लोग मेक और गेट यूज करेंगे. फ्रेंड्स, मेक कब यूज करेंगे और गेट कब यूज करेंगे. मेक यूज करेंगे फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में अगर कर्ता के साथ में कर्म जो करने वाला है जो उसको हंसा रहे, जैसे मैं हंसाता हूँ, मैं आपको हंसाता हूँ, मैं हंसाने वाला हूँ और आप हंसने वाला हो, हंसने वाले हो, तो इसमें दोनों पर्सन है. लेकिन फ्रेंड्स, जब इस तरीके से सिचुएशन आएगा तो आपको मेक यूज करेंगे. अगर जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर्सन नहीं है फ्रेंड्स, एक पत्र है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पर्सन नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे मुझे, मुझे क्या है फ्रेंड्स, एक पर्सन का बात कर रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कोई दो पर्सन एक सेंटेंस में आएंगे तो आप यूज करेंगे मेक, और अगर सिंगल है, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसमें कर्ता भाग नहीं लेता है, वो कहीं साइड हो जाता है और बोलते तो ऑर्डर सिर्फ दे देता है कि मैं एक पत्र लिखवाता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से तो हम गेट यूज करेंगे. सबसे पहले मेक समझ लीजिए, जैसे वह मुझे हंसाता है, अब मैं वह जो है वो भी शामिल है और मैं भी हूँ, मतलब हंसाने वाला भी है और हंसने वाला भी, तब हम लोग मेक यूज करेंगे, मेक यूज करेंगे. देखेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है ही तो बोलेंगे सब्जेक्ट ही हंसता हूँ, या जैसे वह मुझे हंसाता है, मतलब ता तेती आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको वर्ब को लिखना है. देखेंगे फ्रेंड्स, मेक है तो इसमें एस जोड़ देंगे, ई एस या एस जोड़ते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी ई कहने का मतलब ई है तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो ही लाफ्स मी लाफ, ही लाफ्स मी लाफ. फ्रेंड्स नेक्स्ट है, मैं आपको रुलाया. फ्रेंड्स ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो मेक का थर्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, और थर्ड फॉर्म होता है मेड, दोनों मेड मेड. अगर हम गेट का देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म गेट, तो सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गॉट, इसी तरीके से. फ्रेंड्स देखेंगे, मैं आपको रुलाया तो आई मेड यू वीप, फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट है, मैं उसे नचाया, मैं उसे नचवाया या नचाया, मैं उसे नचवाया या नचाया. फ्रेंड्स आई मेड हिम डांस, मैंने उसे जितवाया या जिताया, मैंने उसे जितवाया या जिताया, तो बोलेंगे आई मेड हिम विन. फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स गेट. फ्रेंड्स जब गेट यूज करेंगे, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब गेट यूज करेंगे तो हम लोग एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. देखेंगे फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म ये यहाँ जो है ये थर्ड फॉर्म यूज होगा, और ये यहाँ पे ऊपर में से फर्स्ट फॉर्म. तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ थर्ड फॉर्म, जैसे मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, इसका मतलब हम ऑर्डर दे दिया, लिखने वाला कोई और है, तो उस समय गेट, जैसे इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो गेट का गेट हो जाएगा. आई गेट, फ्रेंड्स या हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे. सो आई गेट ए लेटर, मैं पत्र लिखवाया, और रिटेन लास्ट में रिटेन थर्ड फॉर्म. सो फ्रेंड्स आई गेट ए लेटर रिटेन, मैं गरीबों को खिलाया. सो आई देखिए खिलाया ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे आई गोट द पुअर फेड थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं अपना बाल कटाता हूँ या मैं अपना बाल कटाया, कटाया तो पास्ट इंडेफिनिट, कटाता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. फ्रेंड्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गेट माई हेयर कट,
आई गेट माय हेयर कट। फ्रेंड्स कोई दूसरे कोई काम करता है, आप वहां शामिल नहीं रह, मतलब आप जो है भाग नहीं लेते उस काम में, सिर्फ आप पैसे में रहते हैं। उसने अपना खाना बनवाया, फ्रेंड्स खाना बनवाया, उसने अपना खाना बनवाया, तो बोलेंगे फ्रेंड्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ही गॉट द फूड, ही गॉट द फूड कुक्ड, ही गॉट द फूड कुक्ड। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दबा के करें, और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आने के लिए फ्रेंड्स वेट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।